मैं विजय वर्धन, जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। मैं सत्यवीर सिंह फुलिया, जो राज्य सूचना आयुक्त हरियाणा नियुक्त हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं समय प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। सबसे पहले तो आई एम ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कि जिन्होंने मेरे को ये जिम्मेदारी दी है। अगर आप ओरिजिन देखें, जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये और मुल्कों से शुरू हुआ, तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि सरकार की फंक्शनिंग एक पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट रूप में होनी चाहिए। और अगर कोई भी सिटीज़न ये फील करता है कि उसको कोई इंफॉर्मेशन सरकार की एक्टिविटी से रिलेटेड चाहिए, तो वो एक ट्रांसपेरेंट और इफ़ेक्टिव और जल्दी से उनको दी जानी चाहिए। इसका मेन पर्पस ये है कि जो द फिलॉसफी बिहाइंड द एक्ट इज़ टू मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट टू द सिटीजन्स। तो मेरा ध्येय और मेरा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि विदाउट एडवर्सली अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, वी सेंसिटाइज ऑल द गवर्नमेंट सर्वेंट्स दैट नॉट ओनली शुड दे शेयर द इंफॉर्मेशन विद द इंफॉर्मेशन सीकर, बट ऑल्सो स्ट्राइव इंटरनली टू वर्क इन अ मैनर विच इज़ ट्रांसपेरेंट। जी सर, आप चीफ सेक्रेटरी हुए हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ विभाग जानबूझ के इन्फॉर्मेशन नहीं देते और आपको तो जाहिर सी बात है पूरे स्टेट के आप मुखिया रहे, मामला तरह से मामला इस तरह के मामलों को कैसे दिक्कत किया जाएगा कि शायद सेकंड अपील या फिर कमीशन के सामने आना ही ना पड़े। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि एट मेनी लेवल्स देर इज समटाइम्स अ लैक ऑफ अवेयरनेस ऑल्सो। हमेशा ऐसा नहीं होता कि किसी मैलिफाइड इंटेंशन की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट सूचना नहीं देना चाहता। देर इज़ समटाइम्स अ जेन्युइन नॉन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्ट विच रिजल्ट्स इन डिलेज। तो मेरा अटैम्प्ट यही रहेगा कि इन डिलेज को एलिमिनेट करें एंड इन ए पार्टिसिपेटिव मैनर हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स डिपार्टमेंट्स को सेंसिटाइज करें कि इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इफ़ वी शेयर द इंफॉर्मेशन। सो देर इज़ नो कन्फ्रंटेशन, वी हैव टू मेक इट अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। कुछ कोशिश की जा सकती है सर समय सीमा रखने की, क्योंकि मामले कई बार हाई कोर्ट तक पहुंचते जी हैं। जी, समय सीमा तो देर इज़ एक्चुअली अ टाइमलाइन प्रोवाइडेड फॉर एवरी शेयरिंग एंड सोलिसिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन द एक्ट। सो द चैलेंज बिफोर इट इज टू इंप्लीमेंट द टाइमलाइंस, सो वी विल ट्राई टू डू दैट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।